नमस्कार दोस्तों, सिंगल और यूनिक प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मेरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़। Today is 26 September 2018 and we will discuss the current events in this current affairs show. So first of all, let's have a look on the history. On this day in the year 1820, Ishwar Chandra Vidyasagar, leading member of the Bengal Renaissance, was born. आइए अब नज़र डालते हैं इतिहास के पन्नों पर। आज के दिन सन 1820 में भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर्स क्विज। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन। एंड रैंकिंग ऑफ इंडिया इज 158th आउट ऑफ 195 कंट्रीज। एंड इन दिस स्टडी द फर्स्ट रैंक हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय कंट्री Finland. Now let's discuss the same question in Hindi. Healthcare निवेश रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत को 158वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें कुल 195 देश थे। इसमें सबसे पहले स्थान पर है Finland. Now let's discuss question number two. Who has been appointed Facebook India Managing Director and Vice President? And the person who has been appointed is Ajit Mohan. He is at present the CEO of Hotstar. The founder of Facebook is Mark Zuckerberg. Now let's discuss the same question in Hindi. Facebook ne Bharat ke liye Prabandh Nirdeshak aur Upadhyaksh kise niyukt kiya hai? Aur Facebook ne jis vyakti ko niyukt kiya hai unka naam hai Ajit Mohan. फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर थ्री। हु हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज रिचेस्ट मैन बाय हुरून इंडिया रिच लिस्ट। एंड द पर्सन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज रिचेस्ट मैन इज मुकेश अंबानी विद नेट वर्थ ऑफ 3.71 लाख करोड़। हिज नेटवर्थ हैज इंक्रीज 44% इन द लास्ट ईयर। द रिचेस्ट वुमेन इन दिस लिस्ट इज किरण मजुमदार शॉ विद ए नेटवर्थ ऑफ 22,700 करोड़। नाउ लेट्स डिस्कस द सेम क्वेश्चन इन हिंदी। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक सबसे अमीर भारतीय कौन है? और ये हैं मुकेश अंबानी। इनकी कुल संपत्ति है 3.71 लाख करोड़। और इस लिस्ट में जो सबसे अमीर महिला बन के उभरी हैं उनका नाम है किरण मजुमदार शॉ और इनकी कुल संपत्ति है 22,700 करोड़। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर। विच टू टेक जाइंट्स हैव अनाउंस्ड देयर पार्टनरशिप टू ब्रिंग टुगेदर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एंड iOS। एंड द टू टेक जाइंट्स आर एप्पल एंड सेल्सफोर्स। नाउ इन हिंदी, कौन सी दो कंपनियों ने ग्राहक संबंध और प्रबंधन प्लेटफॉर्म और iOS के लिए साझेदारी की है? और ये दो कंपनियां हैं एप्पल और सेल्सफोर्स। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फाइव। Who has been appointed as Google's Chief Privacy Officer? And the person is Keith Enright. Now, in Hindi, the same question. Google का मुख्य गुप्त अधिकारी यानी Privacy Officer किसे नियुक्त किया गया है? और ये प्रश्न है, ये पर्सन व्यक्ति हैं Keith Enright. Now, let's discuss question number six. What is the name of the air pollution control device inaugurated by Dr. Harshvardhan in Delhi? And the name of this device is Vayu. The full form of this device is Wind Augmentation Purifying Unit.
and it has been inaugurated by Dr. Harshvardhan, who is a union minister in our cabinet. Now let's discuss the same question in Hindi. दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस वायु प्रदूषण नियंत्रण यंत्र का उद्घाटन किया है और इसका नाम है वायु, जिसे आप इंग्लिश में ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और इसकी फुल फॉर्म है विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट। दिल्ली के बारे में बताना चाहूँ, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और दिल्ली के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल। Now let's discuss question number 7, which is set to become the first country in the world to double its tiger population, part of the World Wildlife Foundation's WWF Team to 2 program, and the country is Nepal. Now let me give you the basic information about Nepal. Capital of Nepal is Kathmandu, currency is Nepalese rupiah, and the prime minister is KP Oli. And also the president is Vidya Devi Bhandari. Now let's discuss the same question in Hindi. विश्व का कौन सा देश टाइगर की जनसंख्या को दोगुना करने वाला पहला देश बनने वाला है, और ये देश है नेपाल। आइए आपको दिखाते हैं नेपाल विश्व के मानचित्र पर, और अब दिखाते हैं आपको नेपाल का मानचित्र। नेपाल के बारे में आपको बताना चाहूँ, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली हैं, यहाँ की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, और यहाँ की मुद्रा है नेपालीज रुपया। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द हेड ऑफ द कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू जेल रिफॉर्म्स, एंड द हेड ऑफ दिस कमिटी इज जस्टिस अमिताभ रॉय। ही विल हैड 3 मेंबर्स, टेल यू द सीजेआई ऑफ इंडिया, एंड सीजेआई दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज दीपक मिश्रा, and next CGI will be Ranjan Gogoi. Now let's discuss the same question in Hindi. Supreme Court के द्वारा गठित 3 सदस्य जेल सुधार समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, और ये बनाए गए हैं जस्टिस अमिताभ रॉय। हाँ, महिलाओं कैदियों से जुड़े मुद्दे को भी देखेंगे। Now a few questions from the world of sports. अब खेल की दुनिया से कुछ प्रश्न। Who has been awarded with FIFA's Best Player of the Year award? And the person who has been awarded is Luka Modric. He is from Croatia, and he is the person who has led Croatia to its first World Cup final, where it lost to France. FIFA headquarters is in Zurich, Switzerland, and president of FIFA is Gianni Infantino. Now let's discuss the same question in Hindi. फीफा द्वारा बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है, और ये खिलाड़ी हैं लुका मॉड्रिच। ये क्रोएशिया के रहने वाले हैं, और ये पहले क्रोएशिया के कप्तान हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल तक क्रोएशिया को पहुंचाया है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10, विच अवार्ड हैज़ बीन अवार्डेड बाय द प्रेजिडेंट टू स्प्रिंटर हिमा दास, एंड द अवार्ड विच हैज़ बीन अवार्डेड टू दिस स्प्रिंटर इज अर्जुना अवार्ड। नाउ इन हिंदी, धावक हिमा दास को हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा कौन से अवार्ड से नवाजा गया है, और यह अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। दैट्स ऑल इन दिस करंट अफेयर शो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। धन्यवाद।